पाठ 16 गोदान। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा रखा था, अब उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया कि बैलों के सिवा इन सबों के पास कोई अवलंब नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर वह बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो यह ना होगा। तुम अपने 200 को रोते हो, यहाँ लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कुशल इसी में है, जैसे झुनिया को घर में रखा था वैसे ही उसे घर से निकाल दो। फिर ना हम बैल मांगेंगे ना गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है तो मैं भी उसे ठोकरे खाते देखना चाहता हूँ। वह यहाँ रानी बनी बैठी है और हम मुंह में कालिक लगाए उसके नाम को रोते रहे, यह नहीं देख सकता मैं। वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है और भगवान साखी है, मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और घूर पर दाने चुनते देखकर मेरा छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया है, तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मुंह जली ने साथ पुस्त का नाम डुबा दिया और तुम उसे घर में रखे हो, यह मेरी छाती पर मूंग दलना नहीं तो और क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो मैं तो मेरी भी सुन लो, जो बात तुम चाहते हो वह ना होगी, 100 जन्म ना होगी। झुनिया हमारी जान के साथ है, तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती है तो जोड़ लो, पुरखों की आबरू बसती है तो बचा लो। झुनिया से बुराई जरूर हुई, जिस दिन उसने मेरे घर में पांव रखा मैं भी उसे झाड़ू लेकर मारने उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। अब तुम बूढ़े हो गए हो महतो, पर आज भी तुमने सगाई की धुन सवार है, फिर वह तो अभी बच्ची है। भोला ने अपील भरी आंखों से हीरा को देखा। सुनते हो होरी इसकी बातें, अब मेरा दोस्त नहीं, मैं बिना बैल लिए नहीं जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ, फिर रोना मत कि मेरे बैल खोल ले गया। नहीं रोऊंगा भैया। भोला बैलों को पगिया खोल ही रहा था कि झुनिया चकती योंदार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकली और कंपित स्वर में बोली, काका लो मैं इस घर से निकल जाती हूँ और जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पाल लूंगी। जब भीख भी ना मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसिया कर बोला, दूर हो मेरे सामने से, भगवान ना करे मुझे तेरा मुंह देखना पड़े, उलच्छिनी कुल कलंकनी कहेंगी, अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। झुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं, उसमें वह क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता था, जिसमें हिंसा नहीं थी, आत्मसमर्पण था। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया लेकिन वह 2 कदम भी ना गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू, चल घर में, यह तेरा घर है, हमारे जीते भी और हमारे मरने के पीछे भी। डूब मरे वह जिसे अपनी संतान से बैर हो, इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती, मुझ पर धौंस जमाता है नीच, ले जा बैलों की रकत पी। झुनिया रोते हुए बोली, अम्मा जब अपना बाप होके मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दो, मुझ अभागिनी के कारण तो तुम्हें दुख ही मिला है, जब से आई तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी ना रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी ओर खींचते हुए बोली, वह तेरा बाप नहीं है, तेरा बैरी है, हत्यारा,
माँ होती तो अलबत्ते का कलक होती। ला सगाई, हाँ महरिया जूतों से ना पीटे तो कहना। जुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूटे से खोला और हाँकता हुआ चला गया, जैसे किसी नेवत में जाकर पूरियों के बदले जूते पड़े हो। अब करो खेती और बजाओ बंसी, मेरा अपमान करना चाहते हैं सब, ना जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसी लड़की कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा। सबके सब बेशरम हो गए हैं। लौंडे का कहीं ब्याह ना होता था, इसी से करवा दी। और ये जुनिया की ठिकाई देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह ना देखती। आग का पानी मर गया है, सबके सब दुष्ट और मूरख हैं। समझते हैं जुनिया अब हमारी हो गई, वाह। यह नहीं समझते जो अपने बाप के घर ना रही वह किसी के घर नहीं रहेगी। समय खराब है, नहीं बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिया के झोंटे पकड़कर खींचता। मुझे कितनी गालियां देती थी। फिर उसने बैलों को देखा, कितने तैयार हैं, कितनी अच्छी जोड़ी है। जहां चाहूं 100 रुपए में बेच सकता हूं, मेरे 80 रुपए खड़े हो जाएंगे। अभी वे गांव से बाहर भी ना निकला था कि पीछे से दाता दीन, पटेश्वरी, शोभा और 10-20 आदमी और देते दौड़ आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बैल भी छिन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया कमर कसकर, मरना ही है तो लड़कर मरेगा। दाता दीन ने समीप आकर कहा, यह तुमने क्या अनर्थ किया भोला, उसके बैल खोल लाए। वह कुछ बोला नहीं, इसे शेर हो गए हो। इस लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी ना हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया तो तुम्हारा एक एक बाल चुन जाता। भला चाहते हो तो ले लो चने बैल, जरा सी भलमासी नहीं तुम में। पटेश्वरी बोले, वह उसके सीधे पन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल लाने का तुम्हें क्या अख्तियार है। अभी फौजदारी में दावा कर देते तो बंधे बंधे फिरो। भोला ने दबकर कहा, तो लाला साहब हम कुछ जबरदस्ती थोड़े ही लाए हैं, हीरा ने खुद दिए हैं। पटेश्वरी ने शोभा से कहा, तुम बैलों को लौटा दो शोभा। किसान अपने बैल खुशी से देगा तो इन्हें हल में जोतेगा। भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया, हमारे रुपए दिलवा दो, हमें बैलों का लेकर क्या करना है। हम बैल लिए जाते हैं, अपने रुपए के लिए दावा करो और नहीं तो मार कर गिरा दिए जाओगे। रुपए नकद दिए थे तुमने, एक कुलक्षिणी गाय बेचारे के सर मर दी और अब उसके बैल खोल लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से ना हटा, खड़ा रहा गुमसुम दृढ़, मानो मार कर ही हटेगा। पटवारी से दलील करके वह कैसे पेश आता। दाता दीन ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े ताकते क्या हो, मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल ले जाएगा। बंशी बलिष्ठ युवक था और भोला को जोर से धक्का दिया। भोला संभल ना सका, गिर पड़ा। उठना चाहता था कि बंशी ने फिर एक घूसा दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़कर पूछा, ईमान से कहना होरी महतो, मैंने बैल जबरदस्ती खोल लिए। दाता दीन ने इसका भावार्थ किया, यह कहते हैं कि होरी ने अपनी खुशी से बैल मुझे दिए हैं, हम ही को उल्लू बनाते हैं। होरी ने सकूचते हुए कहा, यह मुझसे कहने लगे, या तो जुनिया को निकाल दो या मेरे रुपए दो, नहीं तो मैं बैल खोल ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो ना निकालूंगा, ना मेरे पास रुपए हैं। अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल खोल लो। बस मैंने इनके धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बैल खोल लिए। पटेश्वरी ने मुंह लटका कर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब कोई की जबरदस्ती, उसके धर्म ने कहा लिए जाता है।
जाओ भैया, बैल तुम्हारे हैं। दाता दीन ने समर्थन किया। हाँ, जब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहे। सब के सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े और विजयी भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को ले चला। यह पाठ बहुत छोटा सा है, इसीलिए यहीं पर ही समाप्त होता है। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए और बहुत सारे कमेंट लिखिए। आप हमें ये बताइए कि आपको इस स्टोरी में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है, आप नेक्स्ट स्टोरी किसकी सुनना चाहते हैं, कौन सी सीरीज आपको ज़्यादा पसंद आती है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।